जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ये हैं सभी के सभी गंगापुर सिटी के आतिशबाजी। दीपावली पर आतिशबाजी करते हैं और सभी बाकायदा लाइसेंस भी लेते हैं, और पिछली बारी भी इन्होंने लाइसेंस लिया था। और आइए हम जानकारी करते हैं ये क्यों, मतलब क्या है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है, और बार बार में इनकी यहाँ आतिशबाजी वालों के यहाँ छापेमारी भी की गई है। और पहले दर्शकों हमने पहली बार राजस्थान में इस तरह से जो व्यापारी हैं जो लाइसेंस लेकर करते हैं, क्योंकि लाइसेंस तो मिलता है दिवाली के एक दिन पहले, तो आखिरकार माल व्यापारी कब लेकर आएगा कब लेकर नहीं आएगा, आइए जानकारी करते हैं किस लिए ये इकट्ठा हुए हैं आतिशबाजी मार्केट वाले। संजय जी क्या मामला है और क्यों इकट्ठे हुए हैं? सर ये हर साल की तरह हमको लाइसेंस जारी किए जाते हैं और हर साल हम माधवपुर फाइल लगाते थे, इस बार हमने गंगापुर सिटी अमर का कलेक्टर बनने से हमने सारी फाइलें यहीं लगाई गई है हमारी। और इस बार पता नहीं क्या कारण है हमारे माल क्या ऐसा तो है नहीं, दीपावली का हमारे 5 दिन का लाइसेंस मिलता है तो 5 दिन पहले ही फटाके खरीदते हैं, हर साल खरीदते आते हैं उस हिसाब से रेट बढ़ जाती है, इसलिए हम पहले ही खरीदते हैं। और इस बार पता नहीं क्या कारण है हमारे ऊपर छापेमारी कुछ ज़्यादा की जा रही है, और इस संदर्भ में हमने सभी मित्र ये व्यापारीगण ने एकत्रित होकर हम कलेक्टर महोदय को हमने एप्लीकेशन डाल लिखी है जिससे हमारे कार्यवाही हमारी की जाए, और जिन भी व्यापारियों के फटाके पकड़े हैं उन्हें समय पर दिलवाए जिससे हम भी और लाइसेंस जारी जल्द से जल्द करवाए जिससे हम कार्रवाई को रोके। और हाई सेकेंडरी में हम क्या दुकानें भी लेंगे, टेंट को भी ठेका देंगे, लाइट को भी ठेका देंगे, उस हिसाब से हमारा कार्य हो। आगे का 6-7 दिन तो उसमें लग जाता है, टेंट वगैरह में हमको कम से कम 7 दिन का समय लगता है, 10 दिन लग जाते हैं टेंट लगाने में। अब आतिशबाजी का मार्केट तैयार होगा, इस बारे में क्या ज्ञापन देने के लिए? हाँ ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, एक तो अपन की दुकानों के लिए और एक ये हमारी आतिशबाजी की दुकान है जो ग्राउंड है टेंट है इसकी हमको अनुमति प्रदान करें जिससे हम हाई सेकेंडरी ग्राउंड लाइट वाले टेंट वालों इनको हम सारा। और एक दूसरी बात ये भी है कि आधी फाइलें थाने के अंदर पहुंची है, आधी फाइलें यही है, आगे मतलब पास नहीं करिए तो ये आगे फाइल पहुंचे जिससे कि आप फाइल पूरे लाइसेंस कंप्लीट हो, क्योंकि आतिशबाजी मार्केट से कम से कम हजारों लोगों की रोजी रोटी पलती है हर साल। हम लोग 12 महीना से आस लगा के बैठते हैं आतिशबाजी की, इससे ही हमारी रोजी रोटी चलती है। हम लाख लाख 2-2 लाख 10-10 लाख 5-5 लाख का माल खरीद है और हमारे मालों पर छापा पड़ता है, इसका कारण क्या है? हम अनलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए फटाके ही तो बेच रहे हैं, तो हमारे मतलब लाइसेंस जारी किए जाएं और हमारे ऐसे छापेमारी मतलब नहीं की जाए, बंद की जाए हमारी, और हमको और हम इस पर उम्मीद लगा के बैठे हैं हमारे मालों पे छापेमारी की जाएगी तो फिर हमारी पार कैसे पड़ेगी। और सभी देख रहे हैं दुकानदारों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, एक मायूसी छाई हुई है कि मायूसी या फिर हमको बिल्कुल आप साफ मना कर दे कि राजस्थान में फटाके बहने जिससे हम आगे से लाए नहीं, हम दीपक वगैरह और कुछ काम करें जैसे फूल माला वगैरह का और भी सारे दुकानदार मिलते हैं, हम आगे से उम्मीद ही छोड़ दे इस चीज की, हम काम ही नहीं करेंगे भाई। हम भी एक साल में एक बार धंधा करने के लिए आते हैं, अभी सारी ये अपन के सब लगे हुए जीतते ही चुनाव ये माहौल है, टिकट मिल रहे हैं, इनमें सारी आतिशबाजी हो रही है, क्या हमारी दीपावली की आतिशबाजी पर ही रोक है? सिर्फ नेता के जीतने पे, टिकट मिलने पे, क्रिसमस डे पे, नब्बर्स पे, इन पर सब पे आतिशबाजी चलती है, दुकानदारों के लिए सिर्फ रोक लगाई गई है। आतिशबाजी तो अभी टिकट मिलने पे इतनी चली है, आतिशबाजी खुशी मनाई जाती है, और इस बार हमारा कोई दुकानदारों के सारे व्यापारियों में खौफ है। इस मामले में आपने अधिकारियों को अवगत कराया आपने अपनी समस्या से? सर हमारी जो हमारी प्रतिक्रिया जो है हर साल हम देते आए उससे नहीं, इस बार जो जिला अपना गंगापुर सिटी बन गया क्योंकि लाइसेंस यहीं से बन गए, पहले सफाई माधव उसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखी और हम बहुत बार हम मिलने भी गए थे, लेकिन अभी चुनावी माहौल होने के कारण सारे जो भी अपन के कर्मचारी प्रशासन अधिकारी है वो सारे इधर उधर थोड़ा वो है, इस वजह से हम भी वो है मिल नहीं पाए उनसे। तो अब जिला कलेक्टर महोदय से जिला कलेक्टर महोदय को हमने भी एप्लीकेशन लिखी है, सारे व्यापारी सभी व्यापारी खूब बोल रहे हैं, व्यापारी माल नहीं ला रहा, जो रेट पहले 10 रुपए की थी आज उसकी रेट 15 रुपए हो गई, आगे चल के छापेमारी की वजह से माल नहीं आ रहे हैं, हमको यदि लाइसेंस नहीं देंगे 3 दिन पहले लाइसेंस देंगे और 3 दिन पहले माल खरीदेंगे वही चीज 20 रुपए की हो जाएगी, फिर कालाबाजारी बढ़ेगी, इसमें बाजार में रेट बढ़ेगी वही चीज बाजार में रेट देखिए दर्शकों आम लोगों के लिए आतिशबाजी बाद में कालाबाजारी इनका कहना भी ठीक है, क्योंकि टाइम पे अब लेके आएंगे तो ये कालाबाजारी बढ़ना तय है।
अब ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए हम सारे जा रहे हैं। और जैसा भी हम इसमें रेट बढ़ेंगे, आम जनता परेशान होगी, आम जनता खरीद नहीं पाएगी। और आतिशबाजी मार्केट वाले अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ पर उनके यहाँ पर जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। और यहाँ पर सारे गार्डन में सब इकट्ठे हुए हैं, और हमारा काम थोड़ा जल्द से जल्द करवाया जाए, जिससे हम भी दुकानों को वो करेंगे, बात करेंगे। दस दिन तो ग्राउंड में ही हमेशा मार्केट में पड़ेगी दुकानें लगवाने के लिए, जो आतिश मार्केट का हर साल यही ग्राउंड देते आए हैं हमको, शायद वही अब की बार वही देंगे, इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। दस दिन तो हमारी कार्रवाई में लग जाते हैं काम करने के लिए।